हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 30 अक्टूबर और आज है छठ पूजा। तो आज मैं आप लोगों को छठ पूजा दिखाऊंगा, अपने गांव का छठ पूजा दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे और शाम का जो अर्घ होता है उसके लिए हम लोग निकलेंगे। और ये आस्था का पर्व है और हम लोग सब मिल के सेलिब्रेट इसको करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और खासकर ये पर्व जो है मिथिलांचल के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और वैसे तो ये पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है, प्रवासी इंडियन भी मनाते हैं दूसरे कंट्री में। तो मिथिला में तो खासकर ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जितने भी लोग बाहर में काम करते हैं तो दीपावली छठ के टाइम में गाँव आते हैं और बहुत अच्छा से मनाते हैं इसको। चलते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं मेरी वाइफ को यहाँ पर तैयार व्यार हो रही है, मेरी सिस्टर भी है। तो बोलिए कुछ। यहाँ पर पूरा एकदम मेकअप पट्टी चालू है इन लोगों का। तो जल्दी तैयार होइएगा तब ना जाइएगा। हाँ, तो जल्दी तैयार होइए ना, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। पूरा एकदम से एक घंटा पहले से चालू है मेकअप पट्टी। अच्छा, मेरी बेटी जो है मेहमान जी के गोदी में है। देखिए पूरा एकदम उसको देख रहे हैं बढ़िया से शांत मुद्रा में। तैयार भ गई है? हाँ। कत जेबे छठ पूजा में ना, ना इसमें है बोलो। यहाँ देख सकते हैं मेरे घर के सामने सुरेश अंकल और पिंटू भाई जी सब जा रहे हैं छठ घाट की ओर। तो अब हम लोग भी निकलेंगे। ये मेरी मम्मी है, देख सकते हैं छठ घाट की ओर चल दी है। ओए ओ चलो, चलिए तैयार हुए फटाक से। हाँ, तो जल्दी चलिए। चलिए हम लोग चल रहे हैं और छठ घाट पर। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, देख सकते हैं मेरे बहनोई जी और मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे बाबू। आ जाओ राजा, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये राजा है मेरा भांजा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं छठ घाट की ओर। तो आप लोग बने रहिए। सामने तालाब में हम लोग छठ मनाते हैं, तो इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं। आप देख सकते हैं अंजलि। हाँ चलो ठीक, पूरा पान का आलन था। ये हमारे भोला का है। और अभी बाहर चला ना, कत रही से बाहर पे मद्रास में। देखिए उतना दूर से है छठ मनाने के लिए, तो सभी बिहारियों को आना चाहिए अपने गांव। घाट पर देख सकते हैं मेरे अंकल सब है सारे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर मेरे साथ फ्रेंड सब है। ये लालू सर है, रोशन है इधर, राम प्रवेश जी, कृष्णा है इधर, और सब लोग यहाँ पर अभी हम लोग मौजूद है। और छठ जो है क्या एक अलग तरह का फीलिंग्स है यहाँ पर, और मिथिलांचल वासियों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और प्रवासी भारतीय भी मनाते हैं, फॉरन में भी मनाते हैं। कैसा लग रहा है? भगवान का दर्शन कर लिए? ये देखिए हमारा छठ घाट कैसा है, बताइएगा आपको। ये हमारा छठ पर्व है हमारे गांव का, गांव आए हैं। छठ घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को इसकी कुछ झलकियां दिखाऊंगा, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देवादिदेव महादेव भस्मासुर को वर देने पहुंच जाते हैं।
पशुओं से कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या मांगते हो? मुझे ऐसा वरदान दो भोलेनाथ, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं छठ घाट पर सुबह वाले अर्घ के लिए, और मम्मी से तो बहुत पहले चली गई, और यहाँ देख सकते हैं ये लोग भी लेटे जा रही है क्योंकि तैयार होने में टाइम लग जाता है ना, ये लोग मेकअप ही नहीं खत्म होता है जल्दी तो क्या करेगी। हम लोग छठ घाट पर से आ गए हैं। यह ऐसा पर्व है फ्रेंड्स जिसमें आप इस भगवान से जो भी मांगिएगा ना वो पूरा हो जाएगा। तो आप सबके मन में जो भी हो मन्नतें वो मांगिएगा इस पर्व में, आप सबके मनोकामना जरूर पूरा होगा। मेरी मम्मी देखिए ऊपर से आ रही है पूजा करके, अब पूजा खत्म हो गया, वो छठ पर्व है तो अंतिम में पूजा भी करना होता है, मतलब घर में गोसाई को, तो पूजा वूजा हो गया है। आप तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।